ताकि कभी शहरों में ब्लॉग बनाऊं तो आप तक मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुंचे। हमने जो है बाइक यहीं से खरीदी थी और यहीं पे हम जो है अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए आए हैं। आप एक पहाड़ की हाइट में बैठे होते हो, दूसरा पहाड़ होता है जिसकी हाइट लगभग सेम होती है या थोड़ी सी छोटी होती है, और जहाँ पे सूरज डूब रहा है वहीं पे एक माउंटेन है, छोटा सा, दिखाई नहीं दे रहा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज के एक नए ब्लॉग की शुरुआत छोटी होली के साथ हो रही है। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो है मॉर्निंग का टाइम है और मैं आज जाने वाला हूं अपने बाइक की सर्विस करवाने के लिए, और देखते हैं कि सर्विस का रिव्यू कैसा रहता है, क्योंकि बाइक जो है अभी तक 500 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। और तो आज हम जो है सर्विस कराने के लिए जा रहे हैं। मैं कंपनी नहीं गया, कंपनी में लोगों ने होली मनाई होगी, क्योंकि मेरी बाइक की जो सर्विसिंग है वो भी टाइम पे होनी चाहिए थी, तो वो काम भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो इसीलिए जो है मैं आज कंपनी नहीं गया। आज हम लोग जो है अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि बाइक जो है 500 किलोमीटर चल चुकी है और 500 पे उसकी सर्विस है। वैसे तो मतलब 500 पे केवल नॉर्मल सर्विस होती है, ज़्यादा सर्विस कुछ होती नहीं है। 1000 पे इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि 500 पे भी इंजन ऑयल चेंज होता है। तो जिन लोगों के पास रॉयल एनफील्ड हंटर 350 है, अगर उनका 500 किलोमीटर पे इंजन चेंज हुआ है तो वो कमेंट में बताना, और जिनका नहीं हुआ है वो भी कमेंट में जरूर बताना। अभी जो है हमको भूख लग चुकी है, तो हम जो है एक छोटे से होटल में आए हैं। यहाँ पे जो है बटर बन और उसके साथ चाय पियेंगे, तो भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। आज होली है और आप सभी लोगों को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये रंग जो है होली के जो है बेहतरीन रंग आपकी ज़िंदगी में भी भर जाए, और आपकी ज़िंदगी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, और आपको जो भी ज़िंदगी में अचीव करना है वो सब आपको भगवान बहुत ज़्यादा आपको दे। तो हमने जो है वो खाने में अभी जो है बन और इसके अंदर जो है बटर मंगाया, इसके साथ चाय है, और ये हमारी चाय भी आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले नाश्ता करते हैं, फिर चलते हैं सर्विस सेंटर की ओर और देखते हैं उन्होंने काम किया या नहीं किया। नाश्ता तो कर लिया है और अब चलते हैं सर्विस सेंटर की ओर। आज जो है बहुत सारे काम करने हैं, छुट्टी है तो छुट्टी के लिए फ़ोन के लिए कुछ कवर, स्क्रीन गार्ड वगैरह लेना है, फ़ोन कनेक्टर लेना है, बहुत सारी चीज़ें लेना है, ताकि कभी शहरों में ब्लॉग बनाऊँ तो आप तक मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से पहुँचे, वो वाला कनेक्टर लूँगा। हमने जो है बाइक यहीं से खरीदी थी और यहीं पे हम जो है अपनी बाइक की फर्स्ट सर्विस करवाने के लिए आए हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। दरअसल हॉस्पिटल भी जाना है पेशेंट देखने के लिए भाई ने, तो भाई को जो है बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। कोशिश ये करेंगे जितनी जल्दी सर्विस हो जाए उतनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी की सर्विस हो चुकी है और अभी हम वहाँ पे आए हैं जहाँ पे भैया जॉब करते हैं। यहाँ से मैं जो हूँ ई रिक्शा में निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट आ रखे, तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर रखी है। यहाँ से मैं विक्रम वगैरह में जाऊँगा, भाई जो है ड्यूटी करके आराम से लंच करने आएगा, मैं तब तक रूम पर जाता हूँ। देखो तो क्या प्रॉब्लम, और बाइक की सर्विस करवाने के बाद अभी मैं रूम पे पहुंच चुका हूं और हमारा बिल जो है 1800 कुछ रुपए का बना है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, पता नहीं मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है अननेसेसरी लगी, जो चेंज नहीं होनी चाहिए थी 500 की सर्विस में, लेकिन चलो कोई नहीं, अब जब शेड्यूल में था तो करा ही लिया और 1800 का बिल बना लिया। तो जो है सर्विस जो है केवल नाम की होती है कि हम आपको 3 सर्विस फ्री देते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। जो है केवल जो लेबर नहीं लगती है, मतलब जो काम जो बंदा हमारी गाड़ी पे काम करता है उसको हम लेबर नहीं देते हैं, बस यही होता है। भाई जो है एक बार फिर से अपनी लैब में चला गया है, क्योंकि वहां पे कुछ पेशेंट आ रखे थे, तो मैं भाई के आने से पहले जो है खाना बना के रखूंगा। आज जो है हमने रूम की सफाई करी, सुबह उठ के बहुत सारे काम करे, अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे रूम में सफाई हुई है। यहाँ पे टी शर्ट ऐसी पड़ी है, जींस ऐसी पड़ी है, कुछ सामान ऐसी पड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे लोअर ऐसे पड़ा हुआ है। दर्द सालिए मैंने यहाँ पे टाका हुआ था और ये नीचे गिर गया, देखो। तो जो बॉयज ऐसे बाहर शहरों में रूम लेके रखते हैं वो मेरी फीलिंग अच्छे से जानते होंगे कि रूम की सफाई करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम लगता है, मतलब जो करने का मन ही नहीं करता। और बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी जब छुट्टी होती है तो ही काम करता है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके रूम की हालत कैसी रहती है। जो लोग बाहर
पीजी लेके या रूम लेके रहते हैं, वो उनके रूम की हालत कैसी रहती है वो कमेंट में जरूर बताना। क्या ऐसी ही रहती है जैसे मेरे रूम की हालत है या इससे बहुत अच्छी रहती है। तो खाना भी बन चुका है और आज खाने में जो है दाल चावल बनाया है। तो भाई भी आ गया है और भाई अब हम दोनों के लिए खाना रख रहा है। तो मैंने जो है आज दाल बनाई है, चावल बनाए हैं और उसके साथ दही है। जब गांव में रहते थे तो गांव में घर की दही खाने का एक अलग मजा आता था, लेकिन जो ऐसे शहरों की दहियां है ना, इनमें इतना मजा नहीं आता। और पता नहीं है, मेरे को थोड़ा अलग सी लगती है, लेकिन गांव की दही का फील ही अलग था। चलिए खाना खाते हैं। अभी जो समय हो रहा है वो शाम के 6:30 हो रहा है और जो है यहाँ की धूप भी जाने वाली है। तो देहरादून में रह के मैंने आपको बहुत सारे सनराइज दिखाए हैं, लेकिन सनसेट बहुत कम दिखाए हैं, क्योंकि सनसेट के टाइम पे मैं ज़्यादातर हमेशा ड्यूटी पे ही रहता हूँ। और देहरादून मेरे रूम से जो सनसेट दिखता है वो काफ़ी प्यारा दिखता है, क्योंकि सूरज जो है मेरे रूम के बिल्कुल सामने जो है सनसेट हो जाता है, यानी अस्त होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है सबसे पहले देहरादून का। आज जो है सुबह से मौसम ख़राब था, लेकिन शाम होते होते मौसम साफ़ हो गया और सनसेट बिल्कुल यहाँ सामने पे हो रहा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी प्यारा लगता है। तो होली के दिन जो है आज सुबह से मौसम ख़राब बना हुआ था, मतलब धूप नहीं थी, ठंड लग रही थी। और ऐसे में मैंने सोचा था कि अगर कोई हम पे पानी डालेगा जब हम बाइक की सर्विस करने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, और मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। इसीलिए मैंने जो है पुराने कपड़े पहने थे और ज़्यादा कपड़े नहीं पहने थे कि अगर भीग भी जाएंगे तो कम ही कपड़े भीगेंगे। लेकिन हम पे किसी ने पानी नहीं डाला और अभी देखोगे मौसम पूरा क्लियर हो चुका है, चारों तरफ बिल्कुल साफ दिख रहा है। और बिल्कुल मेरे रूम के सामने जो है इधर आगे वाली साइड से लोगों में जो है होली की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा उत्सव है, तो उतनी ही ज़्यादा उत्सुकता भी है, प्रसन्नता भी है, मतलब उतने ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अभी जो है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन मैं जब भी जल्दी आता हूँ तो हमेशा मैं ये सनसेट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। और अभी देखिए, अभी तो एक मस्त चीज़ हो रही है, जहाँ पर सूरज डूब रहा है वहीं पे एक माउंटेन है, छोटा सा, दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा दूर है, अगर मैं और ज़्यादा जूम करूँगा तो दिख जाएगा आई थिंक। ये देखिए और इस माउंटेन पे अब जो है सूरज पूरा डूब रहा है। तो ऐसे सनसेट देखने का एक अलग ही मज़ा आता है, और शहरों से ऐसे सनसेट बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन जब आप पहाड़ों में रहते हैं, आप पहाड़ों के सनसेट देखते हो, वो सनसेट देखने का तो एक अलग ही मज़ा आता है। आप एक पहाड़ की हाइट में बैठे होते हो और दूसरा पहाड़ होता है जिसकी हाइट लगभग सेम होती है या थोड़ी सी छोटी होती है, सूरज जो है पहाड़ के पीछे छुपता है, जो सूर्य अस्त होता है वो देखने का एक खूबसूरत मज़ा है, एक खूबसूरत पल है। ऐसे मोमेंट अगर आप कभी देखो तो उनको ज़रूर कैप्चर कीजिए और आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये सनसेट कैसा लगा। और फाइनली सूरज जो है डूब चुका है, तो चलिए सूरज भी डूब चुका है, हम भी चलते हैं। और अभी मैं जाने वाला हूँ सैमसंग स्टोर की ओर, क्योंकि फ़ोन का जो स्क्रीन गार्ड था जो मैंने इससे पहले लगवाया था वो बहुत ख़राब गार्ड था, उसमें ब्राइटनेस जो है नीली दिखती थी, जो स्क्रीन है पूरी नीली दिखती थी, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने वो निकाल दिया था। और जो फ़ोन का कवर है ना वो मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को ट्रांसपेरेंट कवर थी जिससे फ़ोन का अपना कलर दिखे, और वो कलर बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मैंने फ़ोन का कलर इतना प्यारा लिया हुआ है तो वो दिखना चाहिए यार, वो दिखेगा तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो फ़ोन को देखने का मन करेगा। तो चलिए उसी को खरीदने चलते हैं, एक छोटी सी शॉपिंग करके आते हैं। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए हेडफोन कनेक्टर, क्योंकि इस फ़ोन में जो है हेडफोन का जैक नहीं है, तो इसके लिए एक मुझे अलग से कनेक्टर लाना पड़ेगा या टाइप सी हेडफोन लानी पड़ेगी। तो अभी तो टाइप सी हेडफोन लाने का कोई चांस नहीं है, देखता हूँ अगर कनेक्टर थोड़ा सस्ता पड़ जाए तो हेडफोन कनेक्टर ही लूंगा। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का जो पूरा दिन भर रहा मेरा वो गाड़ी की सर्विस करवाने में लगा, और उसके बाद जो है खाना बनाने में, उसके बाद शाम को थोड़ा सा सैमसंग स्टोर में अपना सामान ढूंढने में लगा। और सबसे मजे की बात यह है मुझे हेडफोन का कनेक्टर नहीं मिला, अब मुझे हेडफोन ही लेनी पड़ेगी, जो प्रॉपर हेडफोन आती है, जो ईयरफोन लेनी पड़ेगी जिसमें नॉइस कैंसिलेशन हो और ब्लॉगिंग में आसानी हो, वही चीज़ लेनी पड़ेगी। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार।